हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, मैं मनुकूल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। मैं आप सबका अपने नए यूट्यूब चैनल मनुकूल्स डिवाइन टॉक में स्वागत करता हूँ। इस चैनल पर हम बात करेंगे अपने अंदर छुपी हुई उस ईश्वरीय शक्ति की, अपने चारों तरफ की शक्तियों की, इस पूरे ब्रह्मांड के शक्ति की, और हम उस परमपिता परमेश्वर की बात करेंगे। अगर वो ईश्वर है तो कहाँ है, वो अभी क्या कर रहा है, वो किसके जैसा है, इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे हम इस चैनल पे। आज हम शुरू करते हैं एक कहानी के साथ अपनी बात। एक बार श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण, एक फुटबॉल मैच देखने चले गए। वो मैच हो रहा था हिंदू और मुस्लिम टीमों के बीच, बड़ा रोमांचक मैच था। कभी हिंदू मुस्लिम गोल पोस्ट की तरफ फुटबॉल लेके आगे बढ़ता था, कभी मुस्लिम हिंदू गोल पोस्ट की तरफ आगे बढ़ता था, और बड़ा गुत्थम गुत्थी, और वो बड़ा रोमांच वाला मैच था। हिंदू जब फुटबॉल लेके मुस्लिम गोल पोस्ट की तरफ बढ़ता तो कृष्ण नाचने लगे, बांसुरी बजाने लगे। यह देख वहां हिंदू दर्शक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आपस में बात करना शुरू किया कि हमारा भगवान हमारे साथ है, अब हिंदू टीम कभी हार ही नहीं सकती। तभी एकाएक एक घटना घटी, मुस्लिम फुटबॉल लेकर हिंदू गोल पोस्ट की तरफ बढ़ा बहुत तेजी से। कृष्ण फिर नाचने लगे, बहुत झूम झूम कर नाचने लगे। ये देखकर हिंदू दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। उनमें से किसी एक ने जाके कृष्ण को पूछा कि आखिर आप किसकी तरफ हैं भगवान? भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, मैं किसी की तरफ नहीं हूं, मैं तो फुटबॉल की तरफ हूं। आप समझे, भगवान किसी जात और किसी धर्म और किसी संप्रदाय की तरफ नहीं है, भगवान तो जीवन की तरफ है, भगवान तो जिंदगी की तरफ है। जहां जीवन है, जहां जिंदगी है, ईश्वर का वास वहीं है। हमने अपनी अनपढ़ता के चलते, अपनी बेवकूफी के चलते, हमने ईश्वर को सांप्रदायिक बना दिया। ये मुस्लिम का भगवान है, ये हिंदू का भगवान है, ये पैगंबर है, ये अल्लाह है, ये जीजस है। निचोड़ ये है कि भगवान किसी की तरफ नहीं है, वो केवल और केवल मनुष्यता की तरफ है, वो केवल और केवल जिंदगी की तरफ है। जहां जीवन वहीं ईश्वर। आज का प्रश्न कि आपको क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भगवान अलग अलग हैं? क्या हमने अपने आप को इतना नीचा गिरा लिया है कि हम इस सोच को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ईश्वर सबका मालिक है? साईं बाबा ने एक बार कहा था, सबका मालिक एक है। यथार्थ में सबका ईश्वर एक है, वो अनेक रूपों में बटा हुआ है। जहां तक मेरी समझ जाती है, मैं भी उसी ईश्वर का पुत्र हूं, आप भी उसी ईश्वर के पुत्र हैं, और मेरा गुण और अवगुण मेरे पिता के जैसा होगा। आम के पेड़ से आम गिरेगा, कटहल नहीं गिरेगा। मैं उस परम पिता परमेश्वर का पुत्र हूं तो मेरे में उसी का गुण होगा, हां सूक्ष्मतम होगा, हमें उसे विशाल बनाना है। और मनुष्य का जन्म केवल उसी अंश को, उसी समुद्र के छोटे से बूंद को समुद्र में मिलाने का है, यही हमारा परम कर्तव्य है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात पसंद आई और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और
फिर कल मिलूंगा किसी अगले दृष्टांत के साथ, किसी अगली कड़ी की कहानी के साथ।